अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये है जी ईद का दिन। यहाँ पर मम्मी इसके कपड़े प्रेस कर वो नहाने चले गए थे, अज़ान मुअज्जिन को उठा रही थी कि वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए चल जाए, बट वो नहीं उठे। फिर मैंने सोने दी। यहाँ पर अमीज़ जो है शावर लेकर निकल आए थे और वो रेडी हो गए थे। अब उन्होंने अपना जायनमाज़ उठाया और वो जा रहे थे मस्जिद, और मैं रमीज़ को यहाँ से खिड़की से देख रही थी क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो रमीज़ यहाँ पर जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद की। बच्चे यहाँ पर सो रहे थे और अब हम करेंगे कमरे की लाइट्स ऑफ और चलते हैं जी किचन में। जाके किचन में सबसे पहले ये जो चूल्हे के ऊपर मैंने रुमाल वगैरह डाले होते हैं इनको उतार कर झाड़ेंगे और तय लगा के रख लेंगे। और जाते ही मुझे होता है कि मैं पहले चूल्हा सारा साफ़ करूँ, साफ़ ही होता है, फिर भी मुझे होता है एक दफ़ा दोबारा इसकी सारी डस्टिंग कीजिए क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ी होती है शेल्फ पे भी। तो मैं पहले जाती, सबसे पहले मेरा काम किचन में आता ये होता है कि सारी चीज़ें उठाकर मैंने सारी शेल्फ जो है इसकी सारी जो डस्टिंग है वो करनी होती है। और यहाँ पर सारी मेरी डस्टिंग हो गई थी तो मैंने ना सवैयों के लिए पानी रख दिया था। और जब मैं किचन में डस्टिंग करी थी शेल्फ के ऊपर तो मुझे यहाँ से शेल्फ जो है टूटी हुई नज़र आई और मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो गई कि क्या हुआ। क्योंकि 15 डेज़ पहले तो मेरा न्यू किचन ये रेडी हुआ है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि चांद रात मैंने अपनी मामा के घर गुजारी है तो एक रात मैं वहाँ रही थी। तो जब मैं गई हूँ तब बिल्कुल किचन ठीक था, जब वापस आई हूँ तो मैंने रात को नहीं देखा। तो जब मैं सुबह किचन में आई हूँ सवैयाँ बनाने के लिए तो तब मैंने जब डस्टिंग की और मुझे नज़र आया कि वहाँ से ना शेल्फ़ टूट गई है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, पता नहीं अभी ये किसने किया है, जिसने भी किया अल्लाह उसे नेकी की हिदायत दी, हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर रमीज़ नमाज़ पढ़ के आ गए थे और मैंने उनको भी बताया, आए मैंने कहा आपको एक तोहफा दूँ ईद का, ये देखें हमारी जो शेल्फ है वो टूट गई है। यहाँ हम ऊपर आ गए थे, ये मेरी मदर इन लॉ का उनका भी न्यू किचन बना है वो है, और रमीज़ यहाँ अपनी अम्मी जान से ना ईद मिलने के लिए आए थे ऊपर। तो यहाँ पर मेरी सवैयाँ जो है वो भी बॉयल हो गई थी तो इनमें मैंने चीनी वगैरह ऐड करके तो इसको दम पे रख दिया था। हमारे घर तो यही सवैयाँ बनती हैं और वो भी गर्म गर्म खाई जाती हैं सुबह के टाइम, कोई शीर खुरमा वगैरह रात को बना के नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे घर दूध वाली सवैयाँ जो बहुत कम लाइक की जाती हैं ऐसे ही ज़्यादातर खाई जाती हैं। तो यहाँ पर सवैयाँ बन गई थी तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए और ऊपर अपने ब्रदर इन लॉ के लिए सवैयाँ प्लेट में डाली और मेरे हस्बैंड उनको दे आए थे, और ये मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की डाली क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे थे। तो हमने भी ऊपर ही बैठ के सवैयाँ खा ली, उसके बाद हम कुछ देर के लिए सो गए थे और फिर उठे और अज़ान मौज़ून के कपड़े प्रेस थे और साथ ही इनके शूज़ थे मैचिंग। यहाँ पर अज़ान ना शावर ले कर रेडी हो गया था, अब मौज़ून गया हुआ था शावर लेने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह रेडी हो गए थे, फिर नाश्ता वगैरह किया, अंडा ब्रेड खाया था नाश्ते में बच्चों ने, और अब थी हुरैन फातिमा की बारी, इसको मैंने अब रेडी किया। और यहाँ पे नाराज़ होके बैठ गई कि ना मेरे बालों में ये सारे जो है ना ये फूल लगाओ, तो बच्ची उसे क्या पता हो, मुझे इतनी हंसी आ रही थी तो यहाँ नाराज़ होगी, नहीं मैं कोई पिक्चर नहीं बनवाऊँगी, दुपट्टा भी नीचे फेंक दिया। तो यहाँ पर फिर हैप्पी हो गई, मैंने उसे समझाया कि ऐसे बालों में इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं लगाते, अच्छा नहीं लगता। तो ये जी हुरैन की लुक थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसका बन बना दिया था। और बच्चे अब यहाँ पर तैयार होकर ऊपर दादों के पास चले गए थे, रूम भी सारा मैंने सेट वगैरह कर लिया था। आज मैंने ये पिंक कलर की बेडशीट जो है वो बिछाई थी तो यहाँ पे बच्चे नीचे आए थे तीनों, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की ना एक साथ पिक्चर ले लूँ। तो ये मौज़ून भी रेडी हो गया हुआ था, तो हमें एक जगह से गोश्त आया था तो बच्चे जो है वो गोश्त की बोटी बिल्कुल भी नहीं खाते, तो कीमे के कबाब या कीमे वाले टिकियाँ, कीमे वाले नान, रोटियाँ इस तरह ही खाते हैं। तो मैंने ना इन्हें कहा कि मशीन से निकलवा लाएं, बट ये बहुत ही मोटा निकलवा के लाए थे, बारीक कीमा नहीं निकलवा के लाए, मुझे बहुत मुश्किल हुई कबाब बनाने में। और बच्चे यहाँ पर दोबारा ऊपर चले गए थे अपनी दादों के पास, दादू इनको ईद दे रही हैं तो यहाँ सब बच्चों को ईद मिल गई। और ये मेरी जेठानी का बेटा है दानियाल, उसको भी ईद मिली, और ये मेरी जेठानी की बेटियाँ हैं, इन सबको ईद वगैरह दादों ने दी। और हुरैन फातिमा नीचे आई और अब रोना डाल दिया कि जी मेरे कपड़े चेंज करें, अब मुझे ये चुभड़े हैं। और ये है जी मेरा शहजादा, ये मोहम्मद है और इसकी ये फर्स्ट ईद थी। तो आपके आपने शुरू के व्लॉग में इसको नहीं देखा कि ये रेडी हुआ, मैंने आपके साथ इसकी पिक्चर नहीं शेयर की, बट ये है, ये जब सो गया था रेडी होके फिर जब ये उठा थोड़ा फ्रेश था तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। यहाँ पर कबाब जो मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे और टमाटर वगैरह काट के डाल दिए थे, तो जब ये अच्छी तरह कुक हो गए थे दम पे टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया और अदरक लंबी लंबी काट के वो मैंने डाल दी थी। और अब इसको एक जैसा करके थोड़ा सा देसी घी ऐड करके मैं इसको दम पे रख दूँगी। और ये है मेरे कबाबों की फ़ाइनल लुक। तो बच्चे अभी कह रहे थे हमें भूख नहीं है और वो भी खेल रहे थे,
क्योंकि बच्चों ने पैसे लेके बाहर से इतनी ज़्यादा चीज़ें भी खाई थी, आइसक्रीम भी खाई थी, और बस ऐसे ही बच्चों के साथ खेल रहे थे। और मोहम्मद यहाँ पर कपड़े चेंज करके ऊपर चला गया था, इसने ये रोमपड़ पहना हुआ था ईद मुबारक वाला, और यहाँ अपने चाचू के साथ खेल रहा है। फिर बच्चों को भूख लग गई थी और रमीज़ जो है ये गरम गरम नान ले आए थे, साथ रायता सलाद था। बच्चों ने कबाब बहुत मज़े के साथ खाए। आप सुनाएं आपका ईद का दिन कैसे गुजरा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को लेट नाइट जो है मैंने ये चीज़ी बर्गर ऑर्डर कर दिए थे, बच्चों ने वो खाए थे। ये था जी ईद के पहले दिन का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरे बच्चे कैसे लगे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।